तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रम्मी गेम के केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। रम्मी गेम के केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो गाइज, आप लोग ये पहले जान लीजिए, केवाईसी मतलब होता है केनो योर कस्टमर। केनो योर कस्टमर मतलब इसे हिंदी में हम कहते हैं अपने ग्राहक को जाने। तो कोई भी रम्मी गेम होता है तो अपने ग्राहक को जानने के लिए वो केवाईसी करवाता है। जैसे कि केवाईसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ अपना नाम पता और एड्रेस जो फिल करते हैं उसी का पूरा प्रोसेस फुल कंप्लीट करने को हम केवाईसी बोलते हैं। तो केवाईसी हमें क्यों करना पड़ता है? जब तक हम केवाईसी को कंप्लीट नहीं करते तब तक अपने बैंक खाते में अपने पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते, इसलिए हमें केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। और केवाईसी को कैसे कंप्लीट करना है वो तो हम चलेंगे ऐप के होम स्क्रीन पर बताएंगे कैसे केवाईसी करते हैं पूरा। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट 4 टिप्स लेकर आए हैं जो आप लोग जान लीजिए, जो हमें कमेंट बॉक्स में ये सब पूछा गया था। देखिए, पहला पूछा गया था रेफरल कोड कहाँ पर होता है। तो गाइज, हम ये भी बताएंगे कि आप लोगों को रेफरल कोड कहाँ मिलता है, रेफरल कोड कैसे मिलता है। कुछ लोगों के होम स्क्रीन पर ऊपर ही रेफरल कोड ऑप्शन मिल जाता है, कुछ लोगों को वो ऑप्शन नहीं दिखता है रेफरल कहाँ होता है। और गाइज, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेफरल कोड से आप लोगों को कितना पैसा मिलता है। तो ये भी जान लीजिए आप लोगों को रेफरल कोड पर कितना पैसा मिलता है और कितने मित्र को पास आप लोग रेफर कर सकते हैं। और गाइज, हमारा तीसरा ऑप्शन है कि क्या आप क्या गलतियां करते हैं कि जिसके कारण आपका पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और चौथा है, अपनी प्ले रमी पर पासकोड कैसे डाल सकते हैं। हाँ गाइज, आपको अपन प्ले रमी पर पासकोड भी डालना होता है, और चाहे कुछ भी कोई भी कुछ ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए हमको अपने रमी के अकाउंट पर का पासकोड डालना अनिवार्य है, हमको डाल कर रखना चाहिए। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं सीधे होम स्क्रीन पर। लेकिन उसके लिए उसके पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहले सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक लाइक तो ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर, आप लोगों को बताते हैं केवाईसी कैसे कंप्लीट करता है। तो हेलो गाइज, हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ से देखिए गाइज, आपको जाना होगा यहाँ पर जो दिया है माई अकाउंट पर, यहाँ पर आपको जाना होगा केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, आपको यहाँ पर माई अकाउंट पर जाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं माई अकाउंट पर। यहाँ पर देखिए, माय अकाउंट पर आने के बाद आप लोग को जाना है विड्रॉ पर। इस ऑप्शन पर विड्रॉ आप लोग को क्लिक करना है। जैसे हम विड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन यहाँ पर खुल के आते हैं। जैसे कि गाइज देखिए, आप लोग को एक मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन के लिए दिया जाता है, एक KYC कम्प्लीट करने के लिए दिया जाता है। तो हमको KYC करना है, तो KYC करने के लिए हमारे यहाँ पर फुल KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हम लोग को क्लिक करना। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं, जो पहला प्रोफाइल है, दूसरा कॉन्टैक्ट KYC पासवर्ड है, यहाँ पर सब दिया गया है। तो देखिए गाइज, पहले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम डालना है, जो आपका नाम वो डालें, और लास्ट नाम यहाँ पर डाल देना है। और गाइज देखिए, आपको जो ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले नेम पर, यहाँ आप लोग को फुल नाम डाल देना है। जैसे जो यहाँ पर शॉर्टकट में नाम ऐसे डालते हैं, इसी को यहाँ पर फुल में डाल दीजिएगा। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप लोग को यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। डन सेव पर क्लिक करने के बाद आप लोग का एक कम्प्लीट हो जाएगा प्रोफाइल। प्रोफाइल कम्प्लीट हो जाने के बाद आप लोग को जाना है कंटेंट पर। कंटेंट पर जाने के बाद गाइज, आप लोग को देखिए यहाँ पर आप लोगों को ईमेल वेरिफिकेशन देता है और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन देता है। तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर ईमेल आईडी डालना होता है, और यहाँ मोबाइल नंबर डालना होता है। डालने के बाद आप इसको वेरीफाइड कर दीजिए। इसके भी होने हो जाने के बाद आप लोग सीधे जाना है KYC ऑप्शन पर, जो आपके सामने है ये वाला ऑप्शन है। KYC ऑप्शन पर जाना है। KYC ऑप्शन जाने के बाद आपको पहला जो मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, पैन KYC डिटेल्स। तो गाइज देखिए, ये पैन KYC डिटेल्स आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैन कार्ड होगा। जब तक आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास पैन कार्ड होना आवश्यक है, क्योंकि देखिए क्यों पैन कार्ड हमसे मांगा जाता है। जब तक हम पैन कार्ड नहीं लगाएंगे तब तक हम पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, क्योंकि जब भी अधिक पैसा लेन देन के लिए पड़ता है, मान लीजिए 50,000 से ऊपर आप लेन देन करते हैं तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। हर जगह, चाहे बैंक हो चाहे कहीं पर भी हो, जब 50,000 से ऊपर आप लेन देन करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाने की ज़रूरत होती है। इसलिए रम्मी आपसे पैन कार्ड मांगता है, तो पैन कार्ड लगाना अनिवार्य। पैन कार्ड नहीं रहेगा तो आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। तो चलिए, आपके पास पैन कार्ड है तो उसको कैसे करना है तो आगे देखिए।
यहाँ पर गाइज आपको आने के बाद आप लोग के यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर पैन कार्ड पे एक पैन नंबर होता है, जो पैन कार्ड पे एक पैन नंबर, तो उस नंबर को यहाँ फिल करना है। नंबर फिल करने के बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर, उसका एक साफ फ़ोटो खींचिएगा, उसके यहाँ पर फ़ोटो एक अपलोड कर दीजिएगा। उसको आता है आपका यहाँ पर देखिए KYC ID। KYC ID आता है मतलब आपके पास कोई आधार कार्ड हो या चाहे कुछ भी हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे और कुछ भी हो, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने दिया गया है आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी उनमें से आपके पास हो तो आपको यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। आपके पास अगर वोटर आई डी है तो वोटर आई डी लगाना, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर क्लिक करना। जैसे कि हमको आधार कार्ड पर लगाना था, आधार कार्ड पर इस तरह क्लिक कर देंगे। उसको क्लिक करने के बाद हमको आ जाना है KYC ID नंबर, जो KYC ID नंबर दिया गया था, जो आप यहाँ आधार कार्ड चॉइस किया था, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप लोग को यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो आपको फ़ोटो एक आधार कार्ड का अपना अच्छा सा फ़ोटो खींच कर आप अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सेव KYC ID दे देती है, आपको इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको फिर नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद गाइस आपको देखिए देता है बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स करने के लिए आपके पास पासबुक होना ज़रूरी है, तभी तो आप बैंक अकाउंट यहाँ पर डाल सकेंगे। तो आपके पास बैंक पासबुक है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन क्लिक करने के बाद गाइस देखिए आपको यहाँ पर देता है, आप लोगों को देखिए यहाँ पर आप लोगों को देता है अकाउंट होल्डर नेम, जो आपके अकाउंट पर जो नाम है, जो आपका नाम है, वो नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, जो अकाउंट पर उस पर देता है अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप लोग को एक बार फिर दोबारा यहाँ पर अकाउंट नंबर, वही नंबर अकाउंट नंबर एक बार दोबारा आप लोग को यहाँ डालना है और मिला लेना है। दोनों में गलती तो नहीं है, गलती दोनों में रहेगी, दोनों में कुछ भी बदला हुआ तो डन नहीं होगा, तो आप दोनों में एक ही नंबर यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आप लोग को यहाँ पर मिलेगा अपलोड, तो अपलोड पर आप लोग को एक पासबुक का फ़ोटो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको नीचे फिर ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है तो आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस आईडी को सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर फिर ऑप्शन मिलता है एड्रेस डिटेल्स, तो एड्रेस डिटेल्स पर आपको जाना होगा। तो एड्रेस डिटेल्स पर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर मिलता है कुछ ऑप्शन, जैसे आपको मिल रहा है एड्रेस लाइन 1, तो मान लीजिए आपके दूर हैं घर है, तो आप दोनों घरों का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। फर्स्ट पे आप पहला एड्रेस डाल दीजिए और दूसरा आप आपका दूसरा एड्रेस जो आप रहते हैं वो डाल दीजिए। अगर जो एक ही जगह रहते हैं तो दोनों में एक ही एड्रेस आपको डाल देना है, जहाँ पर भी कहीं पर रहते हो। और देखिए गाइस आपको स्टेट यहाँ पर डालना है, आप कौन से स्टेट में रहते हैं, तो स्टेट आप डाल दीजिए। स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पर सिटी देता है, तो सिटी डाल दीजिए। सिटी कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड मांगता था, आपके एरिया का जो भी पिन कोड हो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। आप किस कंट्री में रहते हैं, कंट्री यहाँ पे इंडिया डाल दीजिए। इंडिया डालने के बाद नीचे आप चले जाए, नीचे जाने के बाद आपको फिर से मिलता है यहाँ पे अपलोड, तो अपलोड यहाँ से कर दिए। अपलोड करने के बाद ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप लोग फिर नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद आपको पूरा कंप्लीट जब हो जाता है तो यहाँ पर सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देता है तो KYC कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ फट जाएंगे, सीधे आपको पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो आपके सामने ये देखा देखिए आपको जो है यहाँ पे IFC कोड, आप IFC कोड जानते हैं, IFC कोड आपको यहाँ पर डालना होता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपका कौन सा ब्रांच है और यहाँ पर IFC कोड डाल दीजिएगा। तो गाइज चलिए आप लोग समझ गए होंगे। और गाइज देखिए यहाँ पर फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि पासवर्ड मिलता था, पासवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो पासवर्ड पर आइए, पासवर्ड पर आने के बाद गाइज आपको यहाँ से आराम से यहाँ से जो कर न्यू पासवर्ड था, जो नया पासवर्ड डालना हो पासवर्ड डाल दीजिए। नहीं मतलब पहले से अगर आपके पास पासवर्ड बना है तो आप पहले वाला पासवर्ड डालिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालिए, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका पासवर्ड रमी पे अकाउंट पे पासवर्ड लग जाएगा। पासवर्ड को जो है सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद आपका पासवर्ड भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। तो चलिए गाइस हम वापस आओ, आपको रेफर कोड पता करने के लिए आप यहाँ से जो यहाँ पर ऑप्शन मिला हमको शेयर का, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिला, शेयर पर जाइएगा।
और किसी बंदे के पास आपके गेम को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे तो वहीं पर आपका आपका रेफरल कोड दिख जाएगा, वहाँ से भी अपना रेफरल कोड निकाल सकते हैं। तो गाइस हम गलतियाँ क्या करते हैं जिसके कारण आपका पैसा नहीं ट्रांसफर होता है हो पाता है। तो गाइस देखिए, आपको पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप KYC कम्प्लीट करना होगा, तभी आप पैसे को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। उसी तरह करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं है कि आप पैसे को ट्रांसफ़र कर पाएँ, इसीलिए आपको KYC करने के लिए बोला था। KYC कम्प्लीट कीजिए, उसके बाद KYC कम्प्लीट करने के बाद आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गाइज आपने पहला भी जान लिया है रेफरल कोड कहाँ पर होता है और रेफरल कोड पर आपको कितना पैसा मिलता है, कितने लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, और तीसरा भी आपने जान लिया है कि क्या गलतियाँ करते हैं जिसके कारण आपका पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है। तो गाइज आप उसी तरह पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं आता, सोचते हैं कि हमारा पैसा कैसे ट्रांसफ़र होगा, परेशान हो जाते हैं। तो गाइज पहले अपना जो KYC है उसको कम्प्लीट कीजिए, उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र किए हो जाएगा। और गाइज हमारा चौथा था जो कि अपनी प्ले रमी पर पासवर्ड कर, तो पासपोर्ट भी बता दिए हैं आपको, प्ले रमी पर पासपोर्ट भी कैसे लगा सकते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और